हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए रेलवे इंजन में जो है ये कंप्रेसर लगा हुआ है, डबल पिस्टन का है। इसके जहाँ से एयर निकलता है वहाँ से ये देखिए ये कूलेंट जो है कंटिन्यूस जो है बाहर फेंक रहा है। इसका मतलब है कि इसके जो है जो हमारा कंप्रेसर इसमें लगता है दो पिस्टन का, तो उसके हेड में ही प्रॉब्लम है, या तो गैसकेट कटा होगा। उसको खोलने के बाद देखिए ये हम इसका जो है पूरा हम डिसमेंटल भी कर रहे हैं। डिसमेंटल करके इसको जो है पूरी रिपेयरिंग भी हम करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। तो ये हम देखिए आपको ये कंप्लीट इसका जो है लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो है इसमें देखिए जो वाल्व लगा है, वाल्व को देखिए इस तरह से जो है हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से जो है ये हम आपको डायरेक्ट वो लाइव वीडियो दिखा रहे हैं और ये अपने व्हाट्सएप से दिखा रहे हैं। ये देखिए इसमें जो है स्प्रिंग है और सिम जो है ये सभी इसमें लगते हैं, वो भी हम दिखा देंगे कि कैसे लगता है। जैसे नीचे पहले हम स्प्रिंग डाल देते हैं तो उस हिसाब से जो है इसको किया जाता है। तो इस तरह से जो ये देखिए इस तरह से वाल्व जो है इसमें फिट किया जाता है, लेकिन अभी ये उसी तरह पुराना है इसलिए ये गंदा है। इसलिए अभी जो है क्योंकि जब लगा देते हैं तो इसको दबाते हैं तो ये वाल्व जो है अप डाउन करता है, तो उसी हिसाब से जो है ये काम करता है। तो इस तरह से जो है इसका जो है हम लोग अभी आपको इसकी रिपेयरिंग भी दिखाएंगे। पहले इसको जो है कम्प्लीट हम लोग इसको जो है डिसमेंटल करने के बाद जो है क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद इसको जो है रीअसेंबली स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसमें भी जो है पूरा सिस्टम होता है, ये हेड होता है, हेड के उस पर जो है ये देखिए ये लगा रहता है। ये देखिए इसमें स्प्रिंग भी होती है, स्प्रिंग ऐसे ऊपर रख कर ही जो है हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए अभी हम पहले इसको खोल रहे हैं, खोलने के बाद जो है इसके ये देखिए अंदर का आइटम हमने निकाल दिया। अभी इसके बाद इसकी जो है पूरी क्लीनिंग भी हम लोग करेंगे। पहले इसको पूरा कंप्लीट हम लोग डिसमेंटल कर देते हैं। ये देखिए इस तरह जो है इसके हेड को हम लोग क्लीन करने के बाद जो है ये हम इसका इसको जो है ये देखिए इस पर स्प्रिंग रखते हैं पूरा, जिस हिसाब से हम लोग इसको डिसमेंटल करते हैं उसी हिसाब से जो है इसकी जो है फिटमेंट भी हम लोग करते हैं। ये देखिए ये हेड के ऊपर जो है ये मेन कवर लगाया जाता है, स्प्रिंग ये सभी चीज़ें लगाने के बाद जो है इसको धीरे धीरे करके जो है इसके सभी बोल्ट को जो है हम लोग फंसाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो अगर बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देंगे तो इसका जो है आपको नोटिफिकेशन भी अगर प्राप्त होता रहेगा। अगर जब भी हम कोई भी नया वीडियो रिपेयरिंग का या प्रॉब्लम का हम डाल इस चैनल पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस तरह से जो है ये सभी बोल्ट को जो है हम लोग इसमें टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद जो है फिर हम लोग इसको जो है चेक करते हैं। तो इस तरह जो है इसका जो है कंप्लीट जो है ओवरऑल हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है गैसकेट में प्रॉब्लम था और वाल्व जो है स्टिकी हो गया था, उसी को हम लोग फ्री करके जो है इसको उस हिसाब से कर रहे हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से जो है बोल्ट को जो है पूरा कंप्लीट हम लोग कर देते हैं और फिर हम इसको इसका जो है आपको रिकैप भी दिखाएंगे। देखिए ये गैसकेट लगा है, इसमें पिस्टन ये देखिए आपको दोनों पिस्टन दिखेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है हम लोग पूरा कंप्लीट जो है इसमें दिखाते रहते हैं। ये इस तरह से जो है इसका पूरा कंप्लीट ओवरऑल भी करते हैं। अगर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से रिपेयर भी करा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो हम लोग इसका ये हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। ये इस तरह से जो है हम लोग इसका कंप्लीट टॉप ओवरऑलिंग करते हैं। ये देखिए हम आपको फिर से इसका जो है रिकैप दिखा रहे हैं, आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए किसमें जो है कैसे कैसे इसको किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो कि इसको कैसे किया जाता है। ये हम आपको डबल सिलेंडर के कंप्रेसर का जो है पूरा रिपेयरिंग हम आपको दिखा रहे हैं।